तो गाइस आज हम करने वाले हैं GTA 5 में मेगा मॉडिफाई मीटियोर रैम चैलेंज। ओ यार फ्रैंकलिन इतना बड़ा नाम क्यों, सीधे सीधे बोल देना हम लोग मेगा रैम खेलने वाले हैं। अरे जैक ये कोई आम मेगा रैम थोड़ा ही ना है। ओ यार वो क्यों, अरे वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, पर पहले मुझे तुम एक बात बताओ, जैसा कि मैंने तुमसे पहले बोला था तुम लोग अपनी कार्स को मॉडिफाई करके लाए हो या नहीं। अरे यार फ्रैंकलिन मैं हूँ वेनम और वेनम अपनी कार को बहुत ही ज्यादा मॉडिफाई करके लाया है। अरे तो फिर ठीक है, ये देखो सरप्राइज। अरे यार फ्रैंकलिन ये क्या, यहाँ पे तो मीटियर्स गिर रहे हैं, अभी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे वेनम यहाँ पे हमको भागना नहीं है, ये मीटियर शावर मैंने ही करवाया है इस मेगा रैम को बहुत ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए, और इसीलिए मैंने बोला था कि तुम लोगों को अपनी कार्स में कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी ताकि तुम इन मीटियर से बच सको। और दोस्तों ये देखिए ये मीटियर्स यहाँ पे कितने ज्यादा बड़े हैं, और इस समय ये पूरे के पूरे लॉस सैंटोस पे गिर रहे हैं, और ऐसे में रैम चैलेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हे भैया हम लोग इस रैम चैलेंज को कैसे करेंगे। अरे यार ऑगी तुम्हारा और तुम्हारे भैया का पता नहीं, पर मैं और चूचू तो उसको आराम से कर लेंगे, क्यों चूचू। अरे हाँ ग्रैनी बिल्कुल ठीक बोल रही है, हम तो जा आराम से कर लेंगे। अरे यार हाँ चूचू यार देखो मैं यहाँ पे अपने पड़ोसों की गाड़ी चुरा लाई हूँ, वो एक पुलिस वाला है। अरे मैंने गाड़ी को मॉडिफाई करने के लिए बोला था, उसको चुराने के लिए नहीं। अरे यार फ्रैंकलिन तुम चुप हो जाओ और चूचू तुम जल्दी से आके बैठ जाओ। अरे ठीक है ग्रैनी, पर जहाँ में हम मीटियर अंत बस तो जाएंगे ना। अरे यार हाँ चूचू ये गाड़ी बम प्रूफ है, तो फिर मीटियर प्रूफ तो होगी ही। अरे दोस्तों अच्छा, वैसे गाइस इस गाड़ी को देखने से लगता भी है कि ये बॉम्ब प्रूफ होगी, पर गाइस मुझे ये नहीं पता कि ये मीटियर से बच भी पाएगी कि नहीं, पर चलो गाइस देखते हैं। अरे यार ये मीटियर से जरूर बचेगी, क्यों चूचू। अरे हाँ ग्रैनी चलो देखते हैं। अरे ग्रैनी जगह कर दो तेने, तेरे तो गाड़ी हवा में उड़ा दे। अरे यार चूचू चुप रहो। अरे दोस्तों ये क्या, मीटियर की वजह से हमारी गाड़ी का इंजन पन्ना टूट गए। अरे ग्रैनी जी का कर दो तेने, मुझे ना लगे ये बॉम्ब प्रूफ कार मीटियर के आगे सरवाइव कर पाएगी। अरे यार चूचू मुझे भी नहीं लगता, पर मैंने यहाँ पे जंप लगा दिया। अरे यार ये क्या, एक मीटियर ने हमें नीचे गिरा दिया। अरे ग्रैनी यहाँ से भाग ले, यहाँ पे बहुत सारे मीटियर आ रहे हैं। अरे यार चूचू तुमने बिल्कुल ठीक बोला। अरे यार मैं यहाँ पे आके छुप जाती हूँ। अरे ग्रैनी रुक जा मैं भी आ रहा हूँ। अरे यार ग्रैनी ये कहाँ है गो, मैं तो गया काम पे। अरे यार ये क्या दोस्तों, मेरी गाड़ी भी गई, मेरी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी मीटियर से तबाह हो गई। अरे गाइस यहाँ पे ग्रैनी और चूचू चार्ल्स की बॉम्ब प्रूफ गाड़ी की तो हालत ही खराब हो गई, पर गाइस फिर भी मैंने जितना सोचा था वो लोग उससे आगे ही चले गए। और अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों में से कौन जाने वाला है। अरे यार मैं हूँ वेनम, और अभी मैं और वेनम भूल जाएंगे। अरे यार हाँ वेनम रुको मैं गाड़ी लेके आता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवाई है। टड़ा। अरे यार वेनम टड़ा क्या बोल रहे हो, यहाँ पे गाड़ी कहाँ पे है। अरे यार ये नहीं ना गाड़ी, मैंने अपने स्कूटर के आगे एक और लाइट लगवा के उसको मॉडिफाई करवा दिया है। अरे यार तुम पागल हो गए हो क्या। अरे वेनम पुल क्या, तुम बस एक और लाइट लगवा के आए हो, वो भी अपने स्कूटर पे। अरे यार हाँ फ्रैंकलिन क्यों, कोई दिक्कत है क्या। अरे यार दिक्कत ही दिक्कत है, लगता है मुझे अपनी गाड़ी ही लानी पड़ेगी। ये वेनम पुल का बच्चा किसी काम का नहीं है, अपने खटारे को अपने घर पे छोड़ के आओ। अरे खटारा किसको बोला तूने, छोड़ूंगा नहीं। अरे दोस्तों तो ये देखो मैंने एक नॉर्मल कार को वेनम कार में मॉडिफाई कर दिया है। अरे यार पुलिस की वर्दी शेर कदम, ऐसी कार तो मैंने कभी नहीं देखी। अरे कौन है बे, किसने गिरा दिया मुझे। अरे दोस्तों ये क्या, ये कौन सी कार है। अरे यार ये है वेनम स्पेशल कार, इसके ऊपर मैंने 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अरे क्या 3 करोड़ रुपए में तुमने ये कार बनवाई है। अरे यार हाँ फ्रैंकलिन तुमने बिल्कुल सही सुना, वो कार मॉडिफाई करने वाला मेरा दोस्त है। अरे यार हाँ और मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरे यार तुम अपने खटारे पे आओ, मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। अरे यार सॉरी सॉरी वेनम, अभी तुम चलो ना। अरे यार ठीक है। अरे वेनम वैसे एक बात बताओ, तुमने अपनी गाड़ी का नाम क्या रखा है। अरे यार इस गाड़ी का नाम है वेनम डार्क एडिशन। अरे यार अच्छा। अरे यार हाँ, अरे यार ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी तो यहाँ पे उड़ने लगी। अरे वेनम क्या कर रहे हो, इसको कंट्रोल करो। अरे यार कर ही रहा हूँ। अरे दोस्तों मैं तो आपको एक रूल बताने भूल गया, जब तक आपकी कार सही सलामत है आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अरे यार वेनम जल्दी से आगे बढ़ो। अरे यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बहुत सारे मीटर हमारे ऊपर गिर रहे हैं। अरे यार वेनम इससे पहले कि हम लोग ब्लास्ट हो जाए तुम आगे बढ़ो। अरे यार मेरी कार है ये, इतनी आसानी से ब्लास्ट नहीं होगी। अरे यार ये क्या, अरे यार मैं तो गिर पड़ा। अरे यार वेनम बचाओ। अरे यार वेनम पुल क्या हो गया तुम्हें। अरे यार दोस्तों वेनम पुल को बचाना पड़ेगा। अरे उठो वेनम पुल। अरे यार मुझ पर उठा नहीं जा रहा है, मुझे उठा के गाड़ी में रख लो। अरे यार ये क्या हो गया, अब तो गाड़ी ही नहीं बची। अरे यार मेरा वेनम डार्क एडिशन अब नहीं रहा, अभी मुझे अपने आप को भी बचाना होगा। अरे यार मुझे तो उठा लो। अरे यार मैं किसी को नहीं उठाने वाला, तुम्हारी वजह से मेरा वेनम डार्क एडिशन चला गया। अरे यार यहाँ पे मैं एकदम सेफ हूँ।
गाइस वेनम की कार को तो देख के मुझे लगा था कि वेनम पुलर वेनम ही जीतने वाले हैं, क्योंकि गाइस उन्होंने इतनी बढ़िया मॉडिफाई करवाई थी अपनी कार। अरे यार उनकी कार तो कुछ नहीं, अभी तो मेरी बाइक का मॉडिफिकेशन देखना, या देखो मेरी बाइक का मॉडिफिकेशन। अरे तुमने ये क्या किया है, तुमने बस काफी सारी बाइक को आगे पीछे लगा दिया है। अरे यार हाँ ये देखो, अरे यार ये क्या हो गया, अरे बाइक स्टार्ट हो जा, अरे ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। अरे यार सिलेंडर में ये क्या कर रहे हो तुम। अरे यार मैंने बूस्ट भी लगा के देख लिया, लगता है ये वाली बाइक खराब हो गई। अरे यार इस वाली को चला के देखता हूँ। अरे यार कोई ऐसी बाइक क्यों नहीं चल रही है। अरे यार वो तो मैंने उसका पेट्रोल निकाल लिया। अरे क्या पेट्रोल क्यों निकाल लिया तूने। अरे यार वो था ना उस बॉस की कार में पेट्रोल खत्म हो गया था, तो मैंने तुम्हारी बाइक में से निकाल के उनको पेट्रोल दे दिया। अरे यार तुम मुझसे पटने के काम क्यों करते हो, अभी मुझे रैम चैलेंज इस वाली बाइक से ही कम्प्लीट करना पड़ेगा। अरे पहले वैसे आओ और बैठो। अरे यार ठीक है बैठता हूँ। वैसे सिलेंडर मैन सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इन बाइक्स को यहाँ पे रैम चैलेंज में लेके आने वाले हो। अरे चलो कोई बात नहीं, यह सब उस टकले की गलती है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार तुम किसकी बात कर रहे हो। अरे यार और किसकी, थैनोस की। अरे हाँ उस तोतले और टकले को तो बाद में जाके बताऊंगा मैं, पहले यहाँ पे चलता हूँ। अरे यार सिलेंडर मैन तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बाइक उड़ भी सकती है। अरे यार उड़ नहीं रही है, ये गिर रही है। अरे क्या बोल रहे हो। अरे अरे यार लग गई मेरे। अरे दोस्तों यहाँ पे पेनीवाइज और सिलेंडर मैन का हाल बुरा हो गया। अरे यार ये क्या, यहाँ पे तो हमारे पास में ही मीटर आके गिरा है। अरे पेनीवाइज भागो यहाँ से। अरे यार सिलेंडर मैन मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर भी मीटर गिर गया। अरे हाँ पर वो तो एकदम छोटा सा था। अरे यार ये क्या हो गया, मेरी बैग भी जल गई। अरे पेनीवाइज तुम ठीक तो हो ना। अरे यार पेनीवाइज बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे आके बचाओ। अरे यार मैं किसी को नहीं बचाने वाला। ओ यार तुम सब लोगों को बद्दे हो गए, तुम लोगों ने सबका मॉडिफिकेशन देख लिया, अब देखो मेरे पप्पा जी का मॉडिफिकेशन। अरे जैक ये क्या, ये दो दो गाड़ियाँ किसकी हैं? ओ यार और किसकी होंगी, मेरे पापा जी की हैं। अरे तुम्हारे पापा जी इतनी खतरनाक गाड़ियाँ भी बना लेते हैं। ओ यार हाँ ये गड्डियाँ मेरे पापा जी ने लड़ाई के वक्त के लिए बनाए थे, और मैं आज उनको उठा लाया। इससे ज्यादा लड़ाई का वक्त क्या होगा जब ऊपर से मीटर गिर रहे हैं। अरे तुम्हारी भी बात ठीक है। हे भैया रुको रुको मैं भी बैठ रहा हूँ। अरे जैक पर तुम यहाँ पे दो दो गाड़ियाँ क्यों लेके आ गए। ओ यार मेरे पापा जी ने बोला था किसी और को भी गड्डी की जरूरत हो तो उसको दे देना, जिसको भी जरूरत है वो इस गाड़ी को ले सकता है। अरे अच्छा दोस्तों जैक के पापा जी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओ यार क्या बोला तूने। अरे मेरा मतलब बहुत ज्यादा अच्छे है। ओ यार हाँ अभी मैं चला। ओ दोस्तों ये क्या, वो यहाँ पे तो उस गाड़ी का इंजन पंजर खुल गए। अरे जैक तुम्हारे पापा जी ने ये वाली गाड़ी लड़ाई के लिए बनाई थी, मेगा मीटियोर रैम के लिए थोड़े ही। ओ यार तू चुप कर, ये गाड़ी मेगा मीटियोर रैम को भी पार कर देगी। आखिरकार बनाई किसने। ए भैया हाँ हमारे पापा जी ने बनाई है। ओ यार मुन्ना वो सब तो ठीक है, तू यहाँ पे बंदूक को कसके पकड़ना, कहीं गिर मत जाना। ए भैया ठीक है। ए भैया आप दोबारा से ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो। ओ यार मैं दोबारा से आऊंगा स्पीड में, फिर लगेगी बढ़िया जाम। ओ यार ये क्या हो रहा है। ओ यार दोस्तों ओ यार गाड़ी पलटते पलटते बच गई। ओ यार मुन्ना अच्छा हुआ गाड़ी नहीं पलटी, वरना तेरा सर फट जाता। ए भैया आराम से गाड़ी चलाना, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। ओ यार मुन्ना तू चिंता मत कर, मैं तेरा सर नहीं फटने दूंगा, ये देख मैंने यहाँ पे जंप लगा दी। ओ दोस्तों अभी मैं बहुत दूर जाऊंगा, लगता है मैं वेनम से भी दूर चला जाऊंगा। ओ यार ये क्या हो रहा है। ओ यार दोस्तों ये क्या। ओ यार दोस्तों यहाँ पे मेरी गाड़ी से सलामत है, मैं अभी आगे भी जा सकता हूँ। ओ यार वेनम तू कैसा है। मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे भी अपने साथ आगे तक ले चलोगे क्या। ओ यार बिल्कुल ले चलेंगे ये ले। अरे यार ये क्या कर दिया तुमने। ए भैया आपने तो यहाँ पे वेनम की छुट्टी कर दी। ओ यार हाँ इसने अपने दोस्त को नहीं बचाया, इसीलिए मैंने इसकी छुट्टी कर दी। ए भैया आपने अच्छा किया। ए भैया ये क्या हो गया। ओ यार मुन्ने ये क्या हो गया, हमारे ऊपर मीटर गिर गया क्या। ए भैया लगता तो ऐसा ही है। ओ यार दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, अभी मुझे जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठना चाहिए, अभी हम और आगे जा सकते हैं मुन्ना। ए भैया मीटर के गिरने के बाद मैं गाड़ी का इंजन खराब हो गया हूँ। ओ यार घटिया गाड़ी, ओए पप्पा जी ने कैसी मॉडिफाई करी है ये गाड़ी। गाइस अभी तक तो सबसे ज्यादा आगे ओगी और जैक ही चल रहे हैं, अभी कौन जाएगा। अरे यार अभी मैं और मोटू जाएंगे और हम ये वाली गाड़ी लेके जाएंगे। अरे पर ये तो ओगी और जैक की गाड़ी है ना। अरे यार तो क्या हो गया, जैक ने बोला था जिसको ये गाड़ी चाहिए वो ले सकता है। अरे हाँ इसीलिए मैं और डोरेमोन भी इसी गाड़ी में बैठेंगे। अरे यार हनुबिता ये वाली गाड़ी मुझे बहुत ज्यादा सेफ लग रही है, और ओगी और जैक अपने पप्पा जी की मॉडिफाई करी हुई गाड़ी से बहुत ज्यादा आगे गए हैं। अरे डोरेमोन तुमने बिल्कुल ठीक बोला डोरेमोन। अरे बड़े भैया पतलू आराम से चलाना, क्योंकि मैं अभी अभी बहुत सारे समोसे खा के आया हूँ, मुझे कहीं उल्टी ना हो जाए। अरे मोटू तुम चुपचाप रहो। दोस्तों ये मोटू भी ना यहाँ पे एक तो मैं बड़ी मुश्किल से रैंप कर रहा हूँ, ऊपर से उल्टी की पड़ी है। अरे पतलू हमारा पीछे वाला दरवाजा टूट गया है, हम लोग कभी भी बाहर निकल सकते हैं। अरे हाँ प्लीज पतलू आराम से चलाओ। अरे रुको रुको मुझे यहाँ पे स्पीड बनाने के लिए ऊपर जाना होगा, मैं भी ऊपर ही जाऊँगा। अरे पतलू आराम से चलाओ ना पतलू। अरे हाँ पतलू आराम से ही चलाना। अरे यार तुम लोग चुप रहो।
अरे हमें ज्यादा दूर तक जाने के लिए यहाँ से स्पीड में जंप लगानी होगी। अरे बड़े भैया तुम इनकी मत सुनो, तुम यहाँ पे स्पीड में ही जंप लगाओ। अरे यार क्यों ना सुनो हमारी, हमें पीछे डर लग रहा है, नूपी तो पकड़ के बैठना। आना ठीक है डोरेमोन। अरे बड़े भैया ये क्या कर रहे हो? अरे यार मुटू मैंने यहाँ पे जंप लगा दी है और अभी हम लोग बहुत ज्यादा दूर जाने वाले हैं। हम लोग वेनम से तो आगे निकलने ही वाले हैं और हम वेनम से भी आगे निकल गए। अरे बड़े भैया हाँ पर ये क्या हो रहा है? अरे मुटू ये क्या हो गया, यहाँ पे तो हमारी गाड़ी फंस गई। अरे बड़े भैया ऐसा कैसे फंस गई? अरे हाँ ऐसे कैसे फंस गई? अरे गाड़ी को निकालो। अरे हाँ पतलू गाड़ी को निकालो ना पतलू। अरे यार खुद ही निकाल लो, एक तो यहाँ पे गाड़ी नहीं निकल रही है, ऊपर से तुम लोग और मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अरे यार ये क्या लगता है हम लोगों को यहाँ पे छुपना पड़ेगा, हमारी गाड़ी भी तबाह हो गई है। अरे यार पुलिस की वर्दी शेर कदम, तो की को ये देखो ये है मेरी गाड़ी। अरे वैसे तुमने इस गाड़ी को मॉडिफाई नहीं करवाया है क्या, ये मीटियोर्स के सामने कैसे टिकेगी? अरे यार मैंने इसको मॉडिफाई करवाया है पर तुम्हें मॉडिफिकेशन दिखेगी नहीं। अरे यार हाँ हम लोगों ने यहाँ पे इसको ऐसे मॉडिफाई करवाया है ताकि कोई पहचान भी न पाए कि गाड़ी मॉडिफाइड है। हमने ये पूरी गाड़ी दोबारा से हार्ड मेटल से बनवाई है। अरे अच्छा। अरे यार हाँ और इस गाड़ी की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है। अरे यार लिटिल सिंगम भैया तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे हमारी गाड़ी पलट गई। अरे यार तुम चिंता मत करो, हमारा हार्ड मेटल हमें बचा लेगा। अरे तुम्हारी गाड़ी के सारे दरवाजे से टूट गए हैं। अरे यार ये कैसे हो गया? अरे यार ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे ये सब मेरे मीटियोर्स का कमाल है दोस्तों, यहाँ पे मुझे नहीं लगता इनकी गाड़ी मीटियोर्स के आगे टिक पाएगी। अरे यार अब तक टिकी है ना, देखो एकदम सही सलामत है, बस यहाँ पे डोर ही उखड़े हैं। वैसे गाइस इनकी बात भी ठीक है, लगता है गाइस इन लोगों ने यहाँ पे डोर में कम मॉडिफिकेशन करवाया था। और यार हाँ लगता है डोर में मॉडिफिकेशन होना रह गया। अरे यार लिटिल सिंगम तुम इतना ऊपर क्यों ले जा रहे हो गाड़ी को? अरे यार की को समझा करो, हम लोगों की स्पीड बनानी चाहिए ताकि हम लोग काफी ज्यादा आगे निकल जाए। अरे यार वो सब तो ठीक है पर हम लोग यहाँ पे मीटर से टकरा गए, हमारी स्पीड दोबारा से कम हो गई। अरे यार तुम चिंता मत करो, ये देखो यहाँ पे मैंने कितनी ज्यादा स्पीड में जंप करवाया है। अरे यार लिटिल सिंगम वाह तुम तो एकदम कमाल हो, हम लोग यहाँ पे वेनम से आगे निकल गए और हम लोग यहाँ पे मोटू पतलू से भी आगे निकल गए। अरे यार हाँ हम लोग यहाँ पे ऑगी और जैक से भी आगे हैं। अरे कीकू तुम्हें क्या हो गया? अरे यार कुछ नहीं मैं यहाँ पे गाड़ी में फंस गया हूँ। अरे यार दोस्तों ये क्या, यहाँ पे तो कीकू एकदम काला पड़ गया। अरे यार मैं तो जल गया, मीटियोर मेरे ऊपर गिर गया। अरे यार कोई बात नहीं, तो ऑगी और जैक मैं और कीकू तुमसे आगे हैं। ओ यार ऐसा कैसे हो गया, मैं तो अपने पप्पा जी से मॉडिफाई करवा के लाया था गड्डी को। अरे यार जैक तुम्हारी गाड़ी अच्छी मॉडिफाइड तो थी पर काफी ज्यादा स्लो थी इसीलिए तुम हार गए। गाइस तो लिटिल सिंगम और कीकू अभी तक यहाँ पे सबसे ज्यादा आगे हैं और गाइस देखना यह है क्या मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ पाता हूँ। तो गाइस ये है मेरा मॉडिफाइड व्हीकल और गाइस ये क्या क्या कर सकता है वो तो आपको भी पता चलेगा। और गाइस इसको मैंने अकेले नहीं बनाया है, मैंने इसमें लेस्टर और साइमन की भी मदद ली है। गाइस तो यहाँ पे ऐसे खड़े होके मैं उड़ सकता हूँ ये देखिए, और गाइस क्योंकि मैं उड़ रहा हूँ तो मेरे लिए इस रैम को पार करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अरे दोस्तों ये क्या, ये तो ऊपर ठुक गया। अरे भाई सीधा चल। दोस्तों मुझे इसे चलाने की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए गाइस ये ऐसा कर रहा है। अरे गाइस ये क्या, अरे गाइस मैं तो यहाँ पर रैंप पे टकराने से बच गया। पर गाइस चलो कोई बात नहीं, बस गाइस मुझे इस चीज का डर है कहीं मेरे ऊपर कोई मीटर आके ना गिर जाए। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा और गाइस मैं तो पक्का श्योर हूँ कि मैं यहाँ पे लिटिल सिंगम और कीको से तो आगे निकल जाऊंगा, बस यहाँ पे मेरे ऊपर कोई मीटर ना टकरा जाए। और गाइस यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अरे दोस्तों ये क्या, मेरे बगल से ही इतना बड़ा मीटर गिरा। दोस्तों मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है पर चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे यहाँ पे धीरे धीरे से ले जाना होगा। और गाइस मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने यहाँ पे इसमें फुल पेट्रोल भर दिया है इसीलिए मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे वेनम और मोटू पतलू से आगे निकलने वाला हूँ और गाइस मैं उनसे आगे भी निकल के आ रही कैसी क्या। अरे गाइस ये क्या हो गया, अरे गाइस लग गई पर ये मशीन कहाँ पे जा रही है। अरे मशीन रुक जा, लगता है गाइस ये खराब हो गई। अरे गाइस इस पे से उतरना ही होगा मुझे। अरे यार फ्रैंकलिन तुम कहाँ पे जा रहे हो? अरे वेनम मेरी मशीन यहाँ पे खराब हो गई है। अरे यार मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरे यार वेनम लगता है ये खराब हो गई है, इसकी वजह से मैं हार गया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अरे यार ये क्या हो गया, अरे दोस्तों ये क्या, यहाँ पे तो वेनम में गाड़ी ठुक गई। अरे यार ऐसे छोटे मोटे हादसे तो वेनम के साथ में होते ही रहते हैं, वेनम को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। अरे तो फिर ठीक है। अरे दोस्तों ये क्या, एक मीटर का टुकड़ा मुझे भी लग गया पर चलो कोई बात नहीं, अभी मैं चलता हूँ बाकी बंदों के पास में। गाइस तो बस मैं पहुँच ही गया होगी और जैक के पास में। अरे गाइस ये क्या, ये बस वाले तो अभी मेरे ऊपर ही चढ़ा देता अपनी बस को। अरे गाइस वो रहे होगी और जैक। अरे यार यहाँ पे मैं भी हूँ, अभी हमें हमारा जल्दी से प्राइस दे दो। अरे हाँ प्राइस देने ही तो आया हूँ मैं तुम्हें, तो इतना सारा गोल्ड है फर्स्ट प्राइस और सेकंड प्राइस है बड़ा सा डब्बा भर के पैसे और थर्ड प्राइस है बाल्टी भर के पैसे। ओ यार ओ थर्ड कौन है? अरे थर्ड तो मैं ही हूँ। ओ यार तो फर्स्ट तो मैं हूँ। अरे यार क्या बोल रहे हो, फर्स्ट मैं हूँ।
ओ यार हाँ ठीक है ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सब के सब अपनी पोजीशन पे खड़े हो गए हैं। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। बाय।